आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर से अमरीकी सफ़ीर डोनल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। दो तरफा तालुकात पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के लिए इकदाम और दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई। अमरीकी हुकूमत के तआवुन से सिंध में तामीर स्कूलों बारे भी तबादला ख्याल किया गया है। मुनीर साकी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर, मुलाकात का अहवाल कहिए। मुनीर से हम दोबारा रابطہ बहाल करते हैं। आपको बताते चलें, निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर से अमरीकी सफीर डोनल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। दो तरफा तालुकात पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के लिए इकदामात और दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई। अमरीकी हुकूमत के तआवुन से सिंध में तामीर स्कूलों बारे भी तबादला ख्याल किया गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर और अमरीकी सफीर डोनल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। दो तरफा तालुकात पर बातचीत की गई है, जबकि साथ साथ मईशत में बेहतरी के लिए भी जो इकदामात किए जा रहे हैं वो ज़ेर बहस आए। साथ में अमरीकी हुकूमत के तआवुन से सिंध में तामीर स्कूलों बारे भी तबादला ख्याल हुआ। मुनीर साकी से राबता बहाल हुआ है। जी मुनीर। जी देखिए, निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर से अमरीकी सफीर डोनल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा तालुकात पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध अमरीकी सफीर की मुईशत के बेहतरी के हवाले से हुकूमत के लिए इकदाम पर बातचीत की गई। अमरीकी हुकूमत की जानब से सिंध में बनाए गए 200 स्कूल पर भी तबादले ख्याल किया गया। सिंध हुकूमत बच्चों की तालीम के हवाले इकदाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध का ये कहना था, वज़ीर आला सिंध का मजीद ये भी एक कहना था कि बच्चों में ग़िज़ायत के मसाइल में जो है अमरीकी हुकूमत सिंध हुकूमत की मदद करेगी। मजीद वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना था कि अमरीकी हुकूमत सिंध में तालीम सेहत और सैलाब में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद कर रही है। तालीम के मैार ठीक है। मुनीर बहुत शुक्रिया। मुतअद्दिद मौज़ू ज़ेर बहस आए हैं। ये मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आला सिंध और अमरीकी सफीर के दरमियान।